Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. बॉलीवुड के वो सितारे जो 90 साल या फिर 90 साल की उम्र से ज्यादा जिए, इस फेरिस में नाम शामिल होता है अवतार किशन हंगल का, जिन्हें हम एके हंगल के नाम से जानते हैं। ये इप्टा से जुड़े रहे और थिएटर में इन्होंने बड़ा ही गाढ़ा काम किया। ऐसा बताया गया कि जब ये तकरीबन 52 बरस के हो गए थे, तब इन्होंने फिल्मों में अपने हुनर का जौहर दिखाया था। मगर वो मरकर भी अमर है। उनका जन्म सन 1914 में हुआ था। ये एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आए, चाहे वो अनुभव रहे कि शोले या फिर रही शौकीन, ये तो 100 का आंकड़ा पार करने वाले थे। सोचा कि मरना है तो लड़ के मरेंगे, पांव तले फिसल के क्यों मरें? पर इनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी और ये बहुत बीमार रहने लगे थे। ये 98 साल की उम्र में सन 2012 में इस दुनिया को छोड़ चल बसे। इस लिस्ट में नाम आता है कुमुदलाल गांगुली का, यानी कि अशोक कुमार का, जिन्हें हम दादा मुनि के नाम से जानते हैं। आपने ठीक कहा था मिस्टर अली खान, रात गई बात गई। अशोक कुमार साहब का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में हुआ। इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में कमाल किया कि 10 मिनट की मुलाकात में आप इंसान की अच्छाई बुराई का पता लगा लेती हैं। तो कलर सिनेमा में भी। हेलो अमिताभ, नाइस टू सी यू। दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी तुमने? सीधा शूटिंग से आ रहा हूं। और उसके बाद इनकी की भी फिल्में जैसे कि आशीर्वाद, मिली, जूल थीफ, इन्हें आप कैसे भूल सकते हैं? हाथ ऐसे मरियल होकर नहीं बल्कि सख्ती के साथ अकड़ कर मिलाना चाहिए। कैसे? राइट। और टीवी सीरियल हम लोग के तो ये एंकर थे। 90 बरस की उम्र में 10 दिसंबर सन 2001 में इनकी मृत्यु हुई। अपने पसंदीदा कलाकारों की जिंदगियों के बारे में जानें, बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया के बारे में जानें, सिर्फ पेश 3 रिपोर्टर पर।